आज तारीख हो चुकी है 23 नवंबर और एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वह दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के रवि अश्विन ने कल अपने यूट्यूब चैनल पर यह कंफर्म कर दिया कि सुरेश अय्यर को अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपनी टीम से रिलीज कर चुकी है। ना सिर्फ सुरेश अय्यर को बल्कि मार्कस टोइनस को भी, इसके साथ ही स्टीवन स्मिथ को भी, इसके साथ ही यहां पर 7 से 8 और बड़े प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपनी टीम से रिलीज कर चुकी है। और 30 नवंबर को ये टीम अपने फाइनल 4 रिटेन प्लेयर्स के नाम अनाउंस करेगी। हो सकता है कि अश्विन को भी ये टीम रिटेन ना करे। तो कुल मिलाकर अब तक की ब्रेकिंग न्यूज या फिर अब तक की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि अय्यर को यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपनी टीम से यहां पर रिलीज कर चुकी है। खुद रवि अश्विन ने इस बात पर कंफर्मेशन दे दी है और अब जल्दी बाकी टीमों के भी रिलीज प्लेयर्स के नाम पता चलेंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी टीमों के रिलीज प्लेयर्स के भी नाम बताए जाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही आप कमेंट करें कि आप सभी टीमों के रिलीज्ड प्लेयर्स के आखिर नाम देखना चाहते हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है पंजाब की तरफ से। दरअसल पंजाब किंग्स ने भी अपने 3 रिटेन प्लेयर्स के नाम लगभग कंफर्म कर दिए, जहां पर सबसे पहले मयंक अग्रवाल को, इसके साथ ही मोहम्मद शमी को, इसके साथ ही रवि बिश्नोई को इस टीम ने रिटेन करने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर इन 3 इंडियन प्लेयर्स को अब ये टीम रिटेन कर रही है। पंजाब के यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने इस बात पर कंफर्मेशन कर दी, इस बात को यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। तो पंजाब की टीम मेगा ऑक्शन से पहले अब मयंक अग्रवाल, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई को यहाँ पर रिटेन कर चुकी है, पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस टीम का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यहाँ पर आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम ने भी अब यहाँ पर एक विदेशी प्लेयर को केवल रिटेन करने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर अब डिविलियर्स की रिटायरमेंट के बाद ये टीम जिन 4 प्लेयर्स को रिटेन करेगी उनमें केवल एक ही विदेशी प्लेयर को अब ये टीम रिटेन करेगी। इस टीम ने कंफर्म कर दिया कि ग्लेन मैक्सवेल को अब ये टीम रिटेन करेगी। मैक्सवेल पहले रिटेन होना नहीं चाहते थे, लेकिन अब सेटलमेंट के बाद इन्होंने भी यहाँ पर रिटेन होने का फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर आरसीबी की टीम मैक्सवेल को कन्फर्म रूप से अब रिटेन कर चुकी है। इसके साथ ही जहाँ पर 3 इंडियन प्लेयर्स में विराट कोहली को, इसके साथ ही युजवेंद्र चहल को और मोहम्मद सिराज को अब मोस्ट लाइकली ये टीम रिटेन करेगी। और आरसीबी की टीम ने तो बताया कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच ये टीम एक बड़ी अनाउंसमेंट करेगी। हो सकता है कि अपनी जर्सी में ये टीम कोई चेंज कर दे, इसके साथ ही हो सकता है कि आज ऑफिशियली अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट भी ये टीम अनाउंस कर दे। हो सकता है कि यहाँ पर कोचिंग स्टाफ में भी ये टीम बदलाव कर ले। तो आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच हमें आरसीबी की एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले ताकि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर आरसीबी द्वारा होने वाली अनाउंसमेंट की सारी खबर मिल जाए। तो आप फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वह आती है मुंबई इंडियंस के नए कोच को लेकर। दरअसल एमआई की टीम में यहाँ पर पिछले 5 से 6 सालों से यहाँ पर महिला जयवर्धने हेड कोच के रूप में हमें काम करते हुए दिखे थे। महिला जयवर्धने के कार्यकाल में इस टीम ने लगभग 3 आईपीएल खिताब जीते थे। काफी अच्छा इस टीम का प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस साल इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। परंतु मेगा ऑक्शन से अब लगभग 1.5 महीना पहले एमआई की टीम ने कंफर्म कर दिया कि महिला जयवर्धने को ये टीम अपनी टीम में ही कंटिन्यू रखेगी। उनके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को अब दोबारा से रिन्यूअल किया जाएगा। एक बार फिर से महिला जयवर्धने इस टीम में कंटिन्यू रहेंगे, इस टीम के कोच रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग एमआई की टीम का आखिर ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर। दरअसल इस साल भारत में हुई शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यहाँ पर शाहरुख खान का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, जहां पर कल हुए इस टूर्नामेंट के फाइनल में यहाँ पर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच जो मुकाबला हुआ था वहां पर तमिलनाडु की तरफ से खेलते हुए शाहरुख खान ने यहाँ पर महज 15 गेंदों में नाबाद 33 रन की पारी खेली थी, जहां पर 3 छक्के और 1 चौका इन्होंने
उन्होंने लगाया था। और इस पारी में आखिरी बॉल में 5 रन की नीड थी, वहां पर शाहरुख खान ने छक्का लगा कर अपनी टीम को लगातार दूसरी बार शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी का अब विनर बना दिया। कुल मिलाकर तमिलनाडु का इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था और शाहरुख खान का भी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। खुद MS धोनी भी यहाँ पर शाहरुख खान को लाइव देख रहे थे। कुल मिलाकर शाहरुख खान को अब काफी सारी टीमें मॉनिटर कर रही है, जहां पर पिछले साल 5 करोड़ में ये ऑक्शन में बिके थे। इस साल हो सकता है कि मेगा ऑक्शन में अब और भी एक्सपेंसिव ये बिक जाए, काफी सारी टीमों की इन पर निगाह है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर शाहरुख खान इस ऑक्शन में अब कितने करोड़ तक बिकेंगे, कौन सी टीम इनको परचेस करेगी, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो ये छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वाती RCB के नए ऑलराउंडर को लेकर। दरअसल RCB के माइक हसन ने अभी हाल फिलहाल में जो ऑक्शन की स्ट्रेटजी तैयार करी है, वहां पर इस टीम को एक क्वालिटी ऑलराउंडर की नीड है। खुद माइक हसन ने ये बताया कि मेगा ऑक्शन में क्वालिटी ऑलराउंडर पर ये टीम 12 से 15 करोड़ तक भी खर्च करने को तैयार है और हाल फिलहाल में ये टीम उस क्वालिटी ऑलराउंडर के रूप में बेन स्टोक्स को अब कंसिडर कर रही है, जहां पर बेन स्टोक्स इस साल मेगा ऑक्शन का अब भाग बन सकते हैं। तो ये टीम बेन स्टोक्स को अब यहां पर मेगा ऑक्शन में परचेस करने का ट्राई करेगी। इस टीम का टारगेट होगा कि बेन स्टोक्स को लगभग 12-13 करोड़ में परचेस कर लिया जाए, ताकि इस टीम में 3 सालों तक वो कंटिन्यू रह सके। हमें तो पता ही कि बेन स्टोक्स यहां पर T20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद और फील्ड में तीनों ही फॉर्मेट में और तीनों ही तरीकों से यहां पर काफी इफेक्टिव होते हैं। इसी वजह से अब RCB की टीम कंफर्म रूप से इनको बाय करना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ये RCB की टीम का सही फैसला रहेगा या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है आती येलो जर्सी को लेकर। दरअसल 2021 में जितने भी टूर्नामेंट हुए, उन सभी टूर्नामेंट्स में जिन टीमों ने येलो जर्सी का प्रयोग किया था वही टीमें विनर बनी थी। जहां पर सबसे पहले IPL में CSK की टीम विनर बनी थी, इसके बाद T20 वर्ल्ड कप में यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम विनर बनी थी, जिन्होंने भी येलो जर्सी का अब प्रयोग किया था। और अब शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यहां पर तमिलनाडु की टीम विनर बनी, इस टीम ने भी यहां पर येलो जर्सी का प्रयोग किया था। तो सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होने लगी, RCB की टीम को IPL का खिताब जीतने के लिए अब अपनी रेड जर्सी को छोड़कर येलो कलर की जर्सी का अब प्रयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर RCB की टीम को अब काफी अधिक ट्रोल किया जा रहा है ये खबरें यहां पर, या फिर ये मीम बन रही कि अब यहां पर RCB की टीम को अब येलो जर्सी का प्रयोग करना चाहिए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर RCB की टीम को क्या सचमुच अपनी जर्सी में और अपनी जर्सी के कलर में बदलाव करना चाहिए या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो भारत न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मुकाबले को लेकर। दरअसल 2 दिन बाद 25 नवंबर को हमें भारत और यहाँ पर न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला देखने को मिलेगा। और इस पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के MCG की तरह यहाँ पर ग्रास को तैयार किया जाएगा, स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर MCG की फोटो देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आप पहले टेस्ट मुकाबले को लेकर आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।